दोस्तों स्वागत है स्टडी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेट, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक बने रहे और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, आम के फल में खाने वाला भाग है। आंसर है बी, मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए, एलिसा जांच करनी चाहिए। करेक्ट आंसर है HIV/AIDS के लिए एलिसा जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायु परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है, इनमें से किनके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। करेक्ट आंसर है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है, रेप्लिकेशन इनमें से किनसे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए। रेप्लिकेशन डीएनए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुवांशिक के नियम हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। करेक्ट आंसर है ए, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए कटे भाग को जोड़ने हेतु इनमें से किनका प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा में जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन परत का क्षय इनमें से किनके कारण होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना निषेचन के फल पकाने की प्रक्रिया को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन
जन्म दर नियंत्रण की सेल विधि है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? करेक्ट आंसर है लिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी, तो उनके संतान के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां है, वह अब चौथी संतान के लिए सोच रही है, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने परसेंट होगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैकेट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों में से कोई एक, डीएनए या आरएनए में कोई एक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अंग कैसा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिकार परजीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमिलय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वपरागित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेडिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी टुकड़ों का संबंधित है? करेक्ट आंसर है डी, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर है बी, मिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अवस्था इनमें से किसकी परिस्थितिक अवस्था का द्योतर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चरम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिनेटर का प्रयोग किस प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए? करेक्ट आंसर है डी, अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन दो भिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्कियोपोरेटिक एक योजक करी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि एवं वायु। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।